नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक हिताची कंपनी का एक एसी का इंडोर पीसीबी आया है। इसका प्रॉब्लम था जो पावर का प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ दिखाना है मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पीसीबी जब आया था, इसको पावर का प्रॉब्लम था। तो मैंने जब चेक किया तो ये एसटीआर मुझे ख़राब मिल गया, तो मैंने यहाँ पर नया एसटीआर लगाया। उसके बाद भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हुआ। उसके बाद जो मैंने इसको चेक किया, तो इसका जो ये पावर ट्रांसफार्मर था, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो फुल जल चुका था। तो देखिए, ये बोला वो ट्रांसफार्मर है। तो मैंने इसको रिपेयरिंग करने का कोशिश किया, तो ये रिपेयर नहीं हो पाया। तो मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रांसफार्मर इसमें लगाया। तो देखिए, मैंने इस बोर्ड से ट्रांसफार्मर को खोल के यहाँ पर लगा दिया मैंने। ये जो पुराना मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर, उसका ये पावर सप्लाई है। यहाँ से खोल के मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लगाया। उसके बाद क्या क्या देखिए दोस्तों, पीछे से मैंने इसको कलेक्शन किया। देखिए, इसका ये वाला जो ट्रांसफार्मर था, इसका ये वाला था पॉजिटिव, और मैंने जो ट्रांसफार्मर को यूज़ किया, इसका पॉजिटिव इधर है। उसके बाद इसका ड्रेन चैनल है, उसके बाद इसका फीडबैक जो होता है उसके बाद ये 320 वोल्ट नेगेटिव का पॉइंट होता है। और देखिए, यहाँ पर जो था ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर था, इसका ग्राउंड यहाँ पर था। और मैंने जो ट्रांसफार्मर लगाया, इसका ग्राउंड मिडिल पर है, और दोनों साइड से इसका पॉजिटिव निकलता है। और इसका जो था, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ से पॉजिटिव निकलता है, यहाँ से पॉजिटिव निकलता है डाइट के थ्रू। तो देखिए, मैंने यहाँ पर से एक ट्रैक को काट के यहाँ से जंपर लेके यहाँ पर दे दिया। और देखिए, यहाँ से एक डाइट के थ्रू यहाँ पर लाइन दिया, और यहाँ से एक डाइट के थ्रू यहाँ पर लाइन मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ये नया वाला स्टेयर लगाया इसमें, तो मेरे को ये पावर सप्लाई ऑन हो चुका था, बट वोल्टेज मुझे कम मिल रहा था। यहाँ पर 7 वोल्ट मिल रहा था, जहाँ पर मेरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर 7 वोल्ट मिल रहा था। यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा था, इसलिए 5 वोल्ट मिल रहा था, तो ये आईसी ऑन हो चुका था। बट ये फैन मोटर नहीं वर्क कर रहा था, ये रिले ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए। तो मैंने क्या क्या देखिए दोस्तों, हमारे पास जो 524 का जो मॉड्यूल है, इसमें मैंने ये लगा दिया। ठीक है, आपका जो ये यदि ये वाला स्टेयर खराब हो जाता है, तो आप यहाँ पर 524 मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए, ये 524 का जो मॉड्यूल है, देखिए नेगेटिव को मैंने यहाँ पर नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया, और ये लाल वाला जो मैंने ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया, और हलूद वाला देखिए ये डाइट का पॉजिटिव में हमने इसको दे दिया। और नेगेटिव देखिए, ये वाला जो पीएफ है, इसका नेगेटिव में हमने दे दिया। देखिए, इसका नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव एक ही है, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। और दोस्तों, और एक बात, यहाँ पर एक कैपेसिटर था, देखिए ये वाला कैपेसिटर जो है, जो 16 वोल्ट का 680 ओम का, ये कैपेसिटर हमको चेंज करना पड़ा। यहाँ पर हमने 35 वोल्ट 1000 mA का कैपेसिटर यूज़ किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा हो गया, इसलिए हमको एक कैपेसिटर को चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लाइन देता हूँ, और आपको इसका वोल्टेज भी हमको आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे कलेक्शन कर लिया हो। तो देखिए, यहाँ पर 200 वाट मैंने बल्ब दे दिया, क्योंकि ये 200 वाट बल्ब में हम देखेंगे आउटडोर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रिले आउटपुट देता है कि नहीं देता है, इसलिए मैंने 200 वाट बल्ब यहाँ पर लगा दिया। और देखिए, सारे के सारे मैंने कलेक्शन कर दिया। चलिए, अब इसको हम लाइन देंगे और इसको वोल्टेज को देखेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए हम लाइन देते हैं इसको। तो देखिए, हम लाइन दे दिया, देखिए इसका ऑन हो चुका है, देखिए मोटर भी चल रहा है। देखिए, हम अब क्या करेंगे, देखिए मीटर को 200 रेंज में सेट करेंगे। देखिए, हमारा आउटडोर भी ऑन हो चुका है, देखिए दोस्तों बल्ब हमारा ऑन हो चुका। तो हम बल्ब को साइड कर देंगे थोड़ा सा, तो हम अब वोल्टेज को मापेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 11.2 वोल्ट हमारा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनपुट हो रहा है, देखिए
32.8 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यह से आउट हो रहा है। देखिए ये जो 78 पास रेगुलेटर है, देखिए हमारा 4.9 वोल्ट यहाँ पर आउट हो रहा है, देखिए ठीक है। हम अब देखेंगे हमारा 15 वोल्ट ठीक ठाक है कि नहीं। देखिए हमारा 14.9 वोल्ट हो रहा है जो फैन मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा सारे के सारे वोल्टेज ठीक है। तो और एक बात बताना है दोस्तों, ये वाला स्टेयर बहुत महंगा है, 300 से 400 के अंदर ये वाला स्टेयर मिलता है। तो आपके पास जो ये स्टेयर नहीं होगा तो आप यहाँ पर ये वाला 524 मॉडल लगा सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया काम करता है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।